بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students, welcome to all of you in the online class of FEI. Today we will discuss one more important topic, that is bleaching powder, and it will be the lecture number 15 of this chapter, acids, bases and salts. आज हम और एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर. तो ये ब्लीचिंग पाउडर क्या होती है स्टूडेंट्स, लेट अस सी. ब्लीचिंग पाउडर, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2. CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर जो है इसकी जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CaOCl2, और इट इज केमिकली नोन एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर कॉमन नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का. तो ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये केमिकल नाम है ब्लीचिंग पाउडर का. सो केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2. रिमेंबर दिस फॉर्मूला, CaOCl2, और इसका क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा है, नोट किया है यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका केमिकल नाम है किसका, ब्लीचिंग पाउडर का. तो स्टूडेंट्स ये देखिए ब्लीचिंग पाउडर, ठीक, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन होता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है. ये देखिए ये ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक, और ये भी आप देखिएगा अच्छे से, ये ब्लीचिंग पाउडर होती है, ठीक. तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इसकी प्रेपरेशन क्या है, प्रेपरेशन कैसे ये प्रिपेयर की जाती है ब्लीचिंग पाउडर, लेट अस सी. ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैकड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एट अ टेम्परेचर ऑफ 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड. क्या किया, कैसे प्रिपेयर किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर, ये हम प्रिपेयर करते हैं, क्लोरीन ऐड किया जाता है स्लैकड लाइम को. क्लोरीन गैस ऐड किया जाता है किसको, स्लैकड लाइम को. तो स्लैकड लाइम क्या होता है, CaOH2. इस CaOH2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं. सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑन ट्रीटिंग विद क्लोरीन वी गेट ब्लीचिंग पाउडर एट टेम्परेचर ऑफ 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड. यानी हमें हीट इसको देना है, जब रिएक्शन की जाएगी हीट इसको देनी है 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड वी गेट ब्लीचिंग पाउडर दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. लेट अस सी हाउ. ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट्स, जिसको हम स्लैकड लाइम भी कहते हैं, ये ड्राई है, ठीक है, ड्राई स्लैकड लाइम हम लेते हैं. इसको क्लोरीन ऐड किया जाता है, टेम्परेचर क्या है 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इसको हमें हीट देना है. वी गेट CaOCl2, एंड व्हाट इज CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर केमिकली नोन एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. सो वी प्रिपेयर्ड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बाय द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, also known as slaked lime, and chlorine. So we get calcium oxychloride. तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर इज मोस्टली मैन्युफैक्चर्ड बाय प्रोसेस कॉल्ड एज हैसन क्लेवर प्रोसेस. एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम ये ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर करते हैं, इस प्रोसेस को ब्लीचिंग प्रोसेस यानी हैसन क्लेवर प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हैसन क्लेवर, उसके नाम पे इस प्रोसेस का नाम पड़ा हैसन क्लेवर प्रोसेस या हैसन क्लेवर प्रोसेस, ठीक है. तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है. इट इज अ येलोविश व्हाइट पाउडर हैविंग स्मेल ऑफ क्लोरीन. चूंकि इसमें क्लोरीन होता है तो क्लोरीन की सिमल ये स्मेल आएगी, तो एंड इट इज येलोविश व्हाइट, ठीक है, ये पूरा नहीं व्हाइट नहीं होता, येलोविश व्हाइट होता है. इट ग्रेजुअली लॉस इट इज क्लोरीन व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू द एयर. अगर इसको ओपन रखा जाए तो क्लोरीन ये लॉस, इससे लॉस होता है. दिस इज बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर रिएक्ट्स विद ब्लीचिंग पाउडर लिबरेटिंग क्लोरीन. तो अगर इसको ओपन रखा जाए, ठीक है, तो क्लोरीन इससे लॉस होता है, इट लॉसेस क्लोरीन. क्यों लॉस करता है क्लोरीन, क्योंकि जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, ब्लीचिंग पाउडर के साथ, और वहां पे क्लोरीन लॉस होता है, क्लोरीन वहां पे रिमूव होता है. तो अब हम देखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट मीन्स ब्लीचिंग पाउडर.
तो जब हम इसको ओपन में रखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट होता है, क्योंकि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है तो सीओ टू इसके साथ रिएक्ट होता है। ये देखिए यह है ना सी ओ, यहाँ पे एक ओ अपना ही, तो CaCO3, ये देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे क्या बच गया Cl2, Cl2 इज लॉस्ट, Cl2 यहाँ से रिमूव होता है। रिएक्शन फिर से समझाऊंगा, इट ग्रेजुअली लॉस्ट इट्स क्लोरीन व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू द एयर, जब ब्लीचिंग पाउडर को एक्सपोज यानी रखा जाता, ओपन ओपनली रखा जाता किसमें, यानी आयर में, या हम यानी ओपन इसको रखते हैं तो जिस तो क्लोरीन लॉस होता है। क्यों क्लोरीन लॉस होता है, क्योंकि आयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रिएक्ट करता है ब्लीचिंग पाउडर के साथ, तो वहां पे क्लोरीन लिबरेट होता है कैसे, CaOCl2, ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड इसको ऐड हुआ, या ये हवा में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, आयर में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो ये CaCO3 CaCO2 जो है ना, यहाँ पे एक ऑलरेडी ओ, तो CaCO3 बनेगा प्रोडक्ट और क्लोरीन लिबरेट हो जाएगा, इवॉल्व्स क्लोरीन गैस, ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे लॉस्ट होता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी, ये तो सेकंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट मीन्स प्रॉपर्टी नंबर 3, इट इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ये सॉल्युबल होते किस वाटर में, कोल्ड वाटर में, ठीक है, तो ये हॉट वाटर में भी, लेकिन हम कोल्ड वाटर में ज्यादातर यूज करते हैं। इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिबरेटिंग क्लोरीन गैस। स्टूडेंट्स एक तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी आपने देखा, अगर इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी आपने देखा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट होता है और क्लोरीन वहां पे रिमूव होता है, क्लोरीन गैस इवॉल्व होता है वहां पे, जब इसको ब्लीचिंग पाउडर को एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, लाइक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है, तो वहां पर भी क्लोरीन गैस इवॉल्व होता है। लेट सी CaOCl2+HCl, तो क्लोरीन गैस रिमूव हुआ, ये देखिए, तो CaCl2+H2O+Cl2, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, साल्ट बनता है, वाटर भी निकलता है और यहाँ क्लोरीन गैस भी रिमूव होता है। तो CaOCl2 अब ये हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ की, अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहां पर भी क्लोरीन गैस इवॉल्व होता है, CaOCl2+H2SO4, वी गेट CaSO4, ये देखिए CaSO4+H2O+Cl2। सो व्हेन ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और विद एनी अदर एसिड, तो क्लोरीन गैस इवॉल्व होता है, क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड। तो यूज देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके क्या यूज हैं, इसके बहुत सारे यूज हैं, तो कुछ यूज मैंने यहाँ पे मेंशन किए। इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग टेक्सटाइल्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पे, ये ब्लीच करने के लिए यानी ब्लीच कपड़ों को ब्लीच करने के लिए यूज होती है, ठीक है। ब्लीचिंग का मतलब है टू डिकोलराइज, ब्लीचिंग मतलब है टू डिकोलराइज, ठीक है, जो कि सब्सटेंस को डिकोलराइज करता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कैसे यूज होता है। इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में भी ये वुड पल्प को क्या करता है, ब्लीच करने के लिए यूज होता है। इट इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स, क्योंकि स्टूडेंट्स में क्लोरीन होता है, क्लोरीन तो डिसइंफेक्टिंग एजेंट होता है, तो जब इसको ब्लीचिंग पाउडर वाटर के साथ जब मिलाया जाता है तो जो जर्म्स वगैरह उसमें होते हैं तो वो किल होते हैं। सो इट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टिंग वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स, तो जर्म्स जो होते हैं, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसमें होते हैं वाटर में, जो हार्मफुल होते हैं, उनको ये ब्लीचिंग पाउडर किल करती है एंड मेक वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। सो इट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टिंग वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स। इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है, बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये यहाँ पे एक कपड़ा है, ठीक है, इसमें स्पॉट्स लगे हुए हैं, इसमें क्या दाग हैं, ठीक है, जब अब इसको ब्लीचिंग पाउडर ऐड की जाती है तो वो दाग, वो डॉट्स, वो स्पॉट्स, ठीक है, रिमूव होते हैं, ठीक है, तो ये यानी एक एजेंट यूज किया जाता है एज टू ब्लीच टेक्सटाइल, ठीक है।
ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये एक पर्सन है, ये क्या करता है, इसने एक टब लिया, इसमें वाटर है, इसको कपड़े धोने हैं, ठीक है। ये लॉन्ड्री पर्सन है, ये क्या करता है, ये लॉन्ड्रीज में ये काम करता है, इसको क्या करना है, इसको कपड़े धोने होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये टब, बड़ा टब लेता है, उसमें वाटर लेता है, फिर उसको क्या ऐड करता है, ब्लीचिंग पाउडर ऐड करता है। ये देखिए इसने ब्लीचिंग पाउडर इसमें ऐड की, फिर थोड़ा शेक करता है इसको, ठीक है। जब शेक करते हैं तो यहाँ पे व्हाइट कलर इस वाटर का आता है, ठीक है। फिर इसको ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसमें ये ऐड करता है। तो ये देखिए इस कपड़े में बहुत सारे ये दाग हैं, ठीक है, ये येलो कलर के दाग हैं इसमें, ठीक है। तो जब इसको आप धो, इसको किसमें, इस ब्लीचिंग पाउडर के साथ, जिसमें ये वाटर है ना, अब इसमें ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो जब इसको इसमें धोया जाता है तो इसके ये डॉट्स जो है, ये स्पॉट जो है येलो कलर के, ये हल्दी के या और किसी सबस्टेंस के, वो इससे दूर होते हैं, वो ये फिर कपड़ा जो एक अच्छा दिखता है फिर, ठीक है। तो जो कॉमन डिटर्जेंट्स हम यूज करते हैं, कुछ स्पॉट्स, कुछ दाग दाग जो होते हैं कपड़े में लगे होते हैं, ग्रीस वगैरह जो लगे होते हैं, तो वो इन कॉमन ये जो डिटर्जेंट्स होते हैं, जो सोप होता है, वो उससे रिमूव नहीं होते हैं। फिर क्या किया जाता है, जो ये फैक्ट्रीज में या बड़ी इंडस्ट्रीज में ये यूज ज्यादा करते हैं, क्या, ये ब्लीचिंग पाउडर। तो ये एक अच्छा सबस्टेंस है, अच्छा केमिकल सबस्टेंस है, जिससे ये टू ब्लीच सबस्टेंस, टू ब्लीच क्लॉथ्स एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स, इसके बगैर भी इसके बहुत सारे यूज हैं, कुछ यूज मैंने यहाँ पे मैंशन किए हैं जो आपने देखे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर इस टॉपिक में आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी, कहीं पर कोई कंफ्यूजन होगा, तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फी अमान, असल वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।